डेली यूसेज में आने वाली इन चीजों के साइड इफेक्ट्स आप नहीं जानते होंगे। आखिर ये चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं? और ऐसी कौन सी चीज है जिससे नासा वाले में बहुत ही ज्यादा डरते हैं? और तो और गूगल की ये सीक्रेट ट्रिक्स जानकर आपके तो होश ही उड़ने वाले हैं। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि कैसे फ्यूचर में हमारी बॉडी के पार्ट्स गायब होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो बने रहें एंड तक हमारी इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में गूगल का तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको गूगल की ये सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में पता है या नहीं? अगर नहीं तो आप अपने गूगल पर अभी जाइए एंड गूगल ग्रेविटी सर्च कीजिए। इसके बाद जब आप गूगल के लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि सारी ग्रेविटी गूगल के अंदर ही आ गई हो। एंड आप देख ही सकते हो कि गूगल का सारा मटेरियल अचानक से नीचे की ओर खींचा चला जा रहा है। एंड अगर आप गूगल पर BTS सर्च करते हो और उसके बाद इन बलून्स के ऊपर टच करते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बलून इस तरह से ऊपर की ओर मूव होने शुरू हो जाएंगे। एंड इससे भी मजे की बात तो ये है कि जब आप उन बलून्स को टच करोगे तो आप उन बलून्स को फोड़ भी सकते हो, जिसके बाद की आपको बलून फूटने की आवाज भी सुनाई देगी। एंड अगर दोस्तों आप गूगल के ऊपर डू अ बैरल रोल लिखकर सर्च करते हो तो आपकी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन 360 डिग्री घूमने लग जाएगी। एंड अगर आप उसके आगे कोई भी नंबर लिखकर सर्च करोगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन उतनी ही बार 360 डिग्री घूमने लग जाएगी। वैसे दोस्तों, क्या आप इन ट्रिक्स के बारे में पहले से जानते थे या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कभी भी दूध को उबालते हैं तो वो उबलते उबलते बर्तन से बाहर निकल जाता है, लेकिन वहीं जब हम पानी को उबालते हैं तो वो आराम से उबलता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। तो दरअसल दोस्तों, दूध में 87% तो वाटर ही होता है और इसके अलावा भी दूध में बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स भी होते हैं। एंड बस यही कारण है कि जब हम दूध को उबालते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है, जिसके कारण दूध की वाफ बाहर नहीं निकल पाती। और बस यही कारण है कि दूध के ऊपर प्रेशर आता है और वो बर्तन से बाहर निकल जाता है, और जबकि पानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड अब आपको ये फैक्ट सुनकर हैरानी होगी कि आने वाले कुछ ही सालों में हम इंसानों के बॉडी पार्ट्स गायब होने वाले हैं, क्योंकि अब इन बॉडी पार्ट्स का हमारे शरीर में कोई भी काम बचा नहीं है। दरअसल दोस्तों, हमारे बॉडी के बाल कुछ ही सालों में खत्म होने वाले हैं। हजारों साल पहले जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी तो उस समय ठंड से बचाने के लिए ये बाल हमारी बॉडी के बहुत ही ज्यादा काम आते थे। बट अब ठंड से बचने के लिए हमारे पास तो गर्म कपड़े अवेलेबल हैं, और इसलिए आने वाले कुछ ही सालों में ये बाल हमारी बॉडी से पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे विजडम टूथ, जो कि पुराने समय में इंसानों को भारी खाना खाने में मदद करते थे, बट अब इनका भी कोई भी काम नहीं बचा है। और इसी तरह साइंटिस्टों का मानना है कि आने वाले फ्यूचर में और भी कई सारी चीजें हमारी बॉडी से गायब होने वाली हैं। एंड दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर एक भी कुत्ता यानी कि डॉग नहीं है? दोस्तों, आपकी ही तरह जब पहली बार ये बात मुझे पता चली थी तो मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया था। दरअसल दोस्तों, इस देश का नाम है मालदीव। असल में आपको बता दें कि मालदीव एक ऐसा देश है जहां पर कुत्तों यानी कि डॉग्स को बैन किया गया है, इसलिए इस देश में आपको एक भी डॉग नहीं नजर आएगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको मौका मिले घूमने का तो आप मालदीव जाना चाहोगे या फिर लक्षद्वीप, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जब भी फ्यूचर में कभी भी चांद या फिर मंगल ग्रह पर घर बनाए जाएंगे तो वो किस मटेरियल से बने होंगे? तो दोस्तों, वो शायद इस चीज से बने होंगे, ये है इन्फ्लेटेबल हैबिटेट, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ है। और तो और, ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, और जब इस मटेरियल के अंदर एयर को भरकर फुलाया जाता है तो ये मटेरियल स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत बन जाता है। एंड यही कारण है कि इसकी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण इसे स्पेस में भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। एंड इसमें एयर भरकर ऐसे घर भी बनाए जा सकते हैं जो कि हल्के होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे।
एंड दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में एक बंदे ने सिर्फ एक एफबी पर एक पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया था तो उसके लिए उसको 10 साल की सजा हुई थी। दरअसल दोस्तों, ये फोटो थाईलैंड के एक राजा की थी जिसे एफबी पर किसी ने अपलोड कर दिया था और इस बंदे ने सिर्फ उस पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया था, जिसके कारण नाखुश होकर वहाँ की गवर्नमेंट ने उस बंदे पर एक्शन लिया और उसे 10 साल की सजा सुना दी। और दोस्तों, शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हमारा शरीर पूरी जिंदगी में 16 किलो जितनी स्किन को बाहर निकाल देता है। शायद यही कारण है कि हमारे घर में धूल आती हो या फिर ना आती हो, बट हमारे घर में रखे हुए सामानों के ऊपर धूल हमेशा पड़ी ही रहती है। और आपको बता दें कि ये धूल हमारे शरीर के डेड स्किन सेल से आती है, क्योंकि हर 27 दिनों में हमारी बॉडी से 38 करोड़ जितने जर्म्स बाहर निकलते हैं। एंड दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे घरों में एसी लगे होते हैं उनका टेम्परेचर 16 डिग्री से कम क्यों नहीं होता है? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या कंपनी इससे कम टेम्परेचर वाले एसी नहीं बना सकती या कोई और कारण है? चलिए जानते हैं। तो दरअसल दोस्तों, अगर आप एसी के टेम्परेचर को 16 डिग्री से कम करोगे तो एसी का जे मेन पार्ट इवेपोरेटर कॉइल, जो कि एयर को ठंडा करता है, वो पूरी तरह से जम जाएगा, जिसके कारण कि एसी खराब होता चला जाएगा और कूलिंग भी कम होती चली जाएगी। एंड बस यही कारण है कि सभी कंपनीज एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री से कम नहीं जाने देती। वैसे दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। एंड अभी दोस्तों, इस कांच को देखिए, जो कि कोई ऐसा वैसा कांच नहीं है जो कि थोड़ी सी ऊंचाई से गिरेगा तो टूट जाएगा। आप इसकी मजबूती का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इसे हाइड्रोलिक प्रेस से तोड़ने की कोशिश की जाती है तो भी ये ड्रॉप नहीं टूटती, बल्कि यहाँ तक कि अगर आप इस कांच की ड्रॉप के ऊपर गोली को भी चला देंगे तो भी इस ड्रॉप को कुछ नहीं होगा, बल्कि जो बुलेट इसके ऊपर लगेगी वो टूट जाएगी। दरअसल दोस्तों, इसका नाम है प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप। एंड अगर आप ठंडे पानी में इस कांच को पिघलाकर डालोगे तो वो धीरे धीरे टाइटली कंप्रेस हो जाएगा और वो दुनिया की सबसे मजबूत चीज बन जाएगी। एंड इस कांच की बस एक ही कमी है कि जैसे ही आप इसके किनारे को दबाओगे तो ये ड्रॉप तुरंत ही टूट जाएगी। दोस्तों, वैसे तो नासा के पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता ही है, पर नासा वाले इस चीज से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। ये चीज कोई और नहीं बल्कि स्पेस जंक है, यानी कि अंतरिक्ष का कबाड़। एंड ये कबाड़ इंसानों की वजह से ही अंतरिक्ष में फैला हुआ है। एंड दोस्तों, ये कचरा इतना ज्यादा है कि स्पेस में इसके 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पीसेस उड़ रहे हैं। एंड इस स्पेस जंक के ऊपर नासा वाले हमेशा अपनी नजरें बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर इस स्पेस जंक का एक भी पीस नासा के किसी भी सैटेलाइट से आकर टकराता है तो उनकी सैटेलाइट पूरी तरह से तबाह भी हो सकती है, या फिर उनकी सैटेलाइट को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि स्पेस में तैर रहा इस कबाड़ का एक छोटा सा पीस भी 28,000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता है। हालांकि नासा बड़े बड़े पत्थरों से तो आसानी से बच जाता है, बट इन छोटे पीसेस से बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड अभी जरा दोस्तों, इन कांच की बोतलों में बंद इन पेड़ों को देखिए, जो कि पिछले 50 सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आज तक जीवित हैं। दरअसल दोस्तों, इन बॉटल्स के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है जिसके चलते इस प्लांट की मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया बन गए हैं जो कि प्लांट की ऑक्सीजन को लेते हैं और बदले में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसके कारण कि प्लांट आसानी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है और सनलाइट तो ट्रांसपेरेंट ग्लास होने की वजह से आराम से प्लांट को मिल ही जाती है। तो इसी वजह से ये प्लांट आराम से फोटोसिंथेसिस कर सकता है और बस यही कारण है कि ये प्लांट आज तक भी जीवित है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में टीवी है तो जाहिर सी बात है कि आपके घर की छत के ऊपर ये टीवी डिश भी लगी होगी, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये टीवी डिश हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों लगाई जाती हैं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि छतों के ऊपर जो लगे हुए टीवी या डिश के एंटीना होते हैं वो हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाए जाते हैं। एंड ये डिशेस का काम होता है कि ये सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करते हैं और टीवी के थ्रू आपको वीडियो की फॉर्म में दिखाते हैं। बिकॉज स्पेस में लगी हुई ये सैटेलाइट पृथ्वी के साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही अपने सिग्नल को सेंड करती हैं, ताकि आपको 24 घंटे सिग्नल मिलते रहें।
वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन चीजों को आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उनका आपके ऊपर क्या साइड इफेक्ट होता है? बाय द वे दोस्तों, आपने इन गेमर्स को तो देखा ही होगा जो कि इन बड़े बड़े हेडफोन्स को अपने सिर के ऊपर लगाते हैं और गेमिंग करते हैं। पर दोस्तों, इन हेडफोन्स का काफी ज्यादा खतरनाक नुकसान होता है। अब आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे लंबे समय तक हेडफोन्स यूज करने के कारण इसके सर ने एक दबा हुआ शेप ले लिया है, जो कि देखने में काफी अजीब सा ही लगता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर इंसानों से ज्यादा कुत्ते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल पेरिस शहर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां की पॉपुलेशन से ज्यादा तो वहां पर डॉग्स रहते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कुत्ते बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा एनिमल रखना पसंद है हमें कमेंट करके बताएं। चलो दोस्तों, जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसके पेट में जब दो बच्चे होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं और जो बच्चा जीत जाता है वही पैदा होता है। मतलब कि पैदा होने के लिए भी लड़ना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, इस मछली का नाम है सैंड टाइगर शार्क, जो कि शार्क की ही एक प्रजाति है। एंड दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो एटीएम पिन आज आप यूज करते हो वो पहले 6 डिजिट का हुआ करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पीछे हो सकता है कि कोई बड़ी वजह रही होगी जिसके कारण कि उनको इसका कोड चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह थोड़ी सी पर्सनल है। दरअसल दोस्तों, जब एटीएम का आविष्कार किया गया था तो इसका कोड पहले 6 डिजिट का हुआ करता था, लेकिन जिन्होंने एटीएम का आविष्कार किया था उनकी वाइफ अक्सर ही अपने एटीएम का कोड भूल जाती थी, इसलिए एटीएम के फाउंडर ने 6 डिजिट कोड हटाकर अब 4 डिजिट कर दिया है। तो हुआ ना मामला फिर पर्सनल। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में एक ऐसा भी गार्डन है जिसमें अगर कोई एक बार भी चला गया तो उसके वापस आने की उम्मीद ना के बराबर है। दरअसल दोस्तों, इस गार्डन का नाम है अल्विन पीसन गार्डन, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन है। इनफैक्ट इस गार्डन में तो 700 से भी ज्यादा जहरीले पौधे पाए जाते हैं, जो किसी भी इंसान के लिए इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इन पौधों की स्मेल लेने से भी किसी की जान जा सकती है। बता दें कि अभी तक इस गार्डन में 100 से भी ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से जान ली है। एंड क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नॉर्मल पब्लिक के पास सबसे ज्यादा गन्स हैं, बावजूद इसके जहां पर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे कम क्राइम होता है। वैसे ये कहना भी ठीक होगा कि जहां पर ना के बराबर ही क्राइम होता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ जानवरों से अपना बचाव करने के लिए गन्स का यूज करते हैं। आप जब भी किसी मॉल या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, आपने एक चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि सभी चीजों के प्राइस हमेशा 99, 199 एंड 1999 से ही शुरू होते होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? दरअसल इस तरीके की प्राइस टैग से कंपनीज कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश करती है, और इस चीज को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी कहा जाता है, जो कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। और इसी की वजह से सेल में हमेशा 99, 199 या फिर 1999 के प्राइस टैग्स को दिखाया जाता है। जैसे कि आपको ये फैक्ट पहले पता था या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी लॉइन की एज को पता करना चाहते हो तो आप उसकी सिर्फ नोज को देखकर ही पता कर सकते हो कि उसकी एज क्या होगी, क्योंकि शेर जब छोटा होता है तो उसकी नोज हल्की सी पिंक कलर की होती है, पर जैसे जैसे ही वो बड़ा होता जाता है तो उसकी नाक ब्लैक कलर की होती जाती है। जब लॉइन पूरा अडल्ट हो जाता है तो उसकी नोज डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। ये बात कमाल की है दोस्तों, कि किसी की भी नाक को देखकर आप अगले की एज का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ।